3, 2, 1 और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में। अरे बैस की आंख, ये भी चार, हम भी चार, क्या डाल पाएंगे हम इन सब का चार। और तुम लोगों को पता ही होगी प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये मैंने न्यूटन साहब के तीसरे नियम में पढ़ा था और वो भी कक्षा 9 में। मतलब देख रहे हो इतनी पुरानी बातें भी मुझे याद रहती। तो यहाँ पर मैंने पूरे 2-3 बंदों को घोड़ी बना दिया था और जैसा कि मैंने बोला प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वही यहाँ पर होने वाला है। उनके 2 बंदे बचे हुए तो हमारे 4 और ये 2 से 1 बचा है। नमस्कार देवी सज्जनों और दुर्जनों, स्वागत है आप सभी का मारदर के दुमदका की एक और नई गेम प्ले वीडियो में। और इस बार हमारे साथ एक रैंडम खेल रहा है जो कि है नंबर 4। वैसे पिछले 3-4 मैचों से जितने नंबर 4 आए थे वो कोई कामेस्की में डोल रहा है, तो कोई स्पॉइन आइलैंड में, और कोई लिपोपका में, तो कोई मिल्टा पावर में। लेकिन इस बार जो नंबर 4 आया है उससे देखकर तो मैं अति प्रसन्न हो गया, वो बिल्कुल हमारे साथ खेल रहा है, इससे तो मैं पूरा आश्चर्यचकित हो गया। अरे बंदे कहाँ पर है बताओ जरा। अरे कहना क्या चाहते हो? टू स्टोरी में। हाँ ठीक है, अब मेरे बिल्कुल समझ में आ गया, 2 स्टोरी पे बंदे हैं। और गाइज तुम लोगों की समझ में आ गया होगी कि कहाँ पर बंदे हैं। देखो पहला वाला ये कहाँ पर चढ़ा हुआ बैठा है, अब देख रहे हो एक बंदा UMP चला रहा है, बाकी कोई कट्टा चला रहा है, कोई पिस्टल चला रहा है। और तुम लोग बस इस सामने वाले बंदे को देखना, अब ये बंदा इसके ठीक सामने से 2 बंदे इसके ऊपर रश कर रहे हैं और इसके पास सिर्फ कट्टा है। लेकिन बंदे की हिम्मत तो देखो, सामने वाले पे बेशक UMP AKM M4 है, लेकिन भाई साहब कट्टे से मारेंगे हमको, क्लच डाल के YouTube पर अपलोड करेंगे हमारी तरह। और ये भाई साहब भी अपना 999 लगा के ऊपर चढ़े बैठे थे, नहीं थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि नहीं है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर 1-2 बंदे और है, तो मेरे पास एक लड्डू था, तो मैंने कहा इस जो हमारे ऊपर कट्टा चला रहा था, मॉन्टाज बना रहा था अपना, उसी के ऊपर दोबारा लड्डू फेंक देता हूँ और उसमें वो बंदा फिनिश भी हो जाता है, और उसके साथ साथ जो उसको रिवाइव दे रहा था वो भी फिनिश हो जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन किया गया, मेरे ऊपर 4 बंदे गाड़ी लेकर रश कर देते, साले सबको खींच लूंगा। रुको, कहाँ पर जा रहे हो? हैकर कुछ भी हो, बचाओ रे, हैकर मार गया मुझे, जल्दी आओ जल्दी, 4-4 बंदे आ गए। मुझे नॉक करने के बाद ये टीम ऐसे रस कर देते कि हमारे बाकी सारे बंदे लुल्ल है क्या। लेकिन वो लोग जानते नहीं है हम यहाँ पर पोजीशन लेके बैठते हैं और उनका एक ये कच्चादारी निकल के आता है। और हिम्मत तो देखो, डैमेज पड़ा है, 2 बंदे फायर कर रहे हैं और वो हमारे फायर में भी आ रहा है, और मेरा बेचारा टीममेट सारा डैमेज उसने लिया और किल मेरे को मिला। और तुम लोगों को पता ही है टीममेटों के किल चुराने का मुझे 100 साल का तजुर्बा है। और इस मैच में जहाँ पर भी हमारी टीम रुक रही थी वहाँ पर गाड़ी की गाड़ियाँ आती जा रही थी। जैसा कि अब देखो, अब यहाँ पर एक गाड़ी आई थी, अभी उस पूरी टीम को फिनिश कर दिया, इतने में दूसरी वाली भी आ जाती है। और गाइस तुम लोग जानते हो चलती हुई गाड़ियों से बंदे खींचने का मुझे 100 साल का तजुर्बा है, अब बच के सके जी। अरे बस करो भाई, कितना फायर करोगे? और तुम्हें पता है मैं इस गाड़ी में से बंदे क्यों नहीं खींच पाया? क्योंकि मेरी पिंग हाई थी, ये देखो तुम, मतलब मेरा भाई भी मेरा साथ ही नहीं दे रहा है। मैं जब गोलियां नहीं चला रहा था, आराम से पैदल लौट रहा था, तब मेरी पिंग इतनी थी, जैसे ही बंदों पे फायर करना शुरू किया दुगनी से हो गई मेरी पिंग। और अभी तुम देखो, अभी मेरी पिंग 32 आ रही है, 36 आ रही है, जब मैं किसी बंदे पे फायर नहीं कर रहा हूँ, खाली बम वगैरह डाल रहा हूँ, आराम से टहल रहा हूँ। और अब देखना जब मैं बंदे के पास गया हूँ, 175, नहीं हद होती है यार ये। अब ये देखो तीसरा वाला बंदा आता है, ये भी किल मेरे हाथ से जाता है, क्यों? मेरी पिंग देखो जैसे उस पर फायर कर रहा था 3 गुनी हो जाती है। और अब देखो आराम से टहल रहा हूँ तो 32। खैर अब मैं भाई भाई का बंदी रोना नहीं रहूंगा। लेकिन ये जो अभी स्कूटर लेके आया था टार्जन बनाकर अपने स्कूटर को 90 की रफ्तार से, इसकी कहानी मेरी जुबानी सुनो। इस स्कूटर वाले के टीममेटों पर हम जब अत्याचार कर रहे थे 4 बंदे मिलकर, तो इस स्कूटर वाले को इतनी गुस्सा आई कि ये 120 की रफ्तार से अपने स्कूटर को आंधी की से भी तेज की रफ्तार से लेके आया, और कब आ गया कब चला गया पता ही नहीं चली। और मैंने पहले भी कहा था जहाँ पर हमारी टीम जा रही थी वहाँ पर कभी गाड़ी, कभी कार, कभी US, कभी बाइक, कभी स्कूटर, सब कुछ आता जा रहा था। खैर यहाँ पर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगता है, तो मैं ये पार्ट स्किप ही कर देता हूँ। अरे नंबर 4 किस पे फायर करने लग रहा है? अगर वेकर है कि तुझे कहाँ बंदे दिखाई दे रहे हैं? कहाँ पर है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। ये रहा, कोड़ी भी बना दिया, वाह वे वाह नंबर 4। और एक और कहाँ पर है गाइस? पता ही नहीं, दिखाई ही नहीं दे रहा है। अरे ये रहा सांप, ये लो इस सांप को भी हमारे नंबर 4 ने घेर दिया। पता नहीं गाइस ये सारे लसन लोग घास में क्या करने लग रहे थे। और अरे एक और, अरे लपेटो साले को, कहाँ पर जा रहा है? ये भी फिनिश मेरे हाथ में नहीं आया यार, मैं क्या करूँ? गाड़ी ऊपर लो, हाँ ऊपर गाड़ी, 4 बंदों की पूरी। अब मैंने सोचा यार बेटी तो बनने वाली है, उससे पहले पेन किलर वगैरह लगा लेता हूँ, जितनी देर में मैं अपना पेन किलर लगाता हूँ ना उतनी देर में मैं नॉक वगैरह सब कुछ हो जाता हूँ। भाई मैं क्या करता, वो पेन किलर कैंसिल ही नहीं हुआ। और यहाँ पर मेरे टीममेट जो है पूरी टीम का सफाया कर देते हैं, और हर बार की तरह यहाँ पर भी मुझे 0 किल मिली। अब वैसे भी बंदों की कमी पड़ रही थी, हमारा नंबर 4 यही
कहीं पर ओपन में ही फ्लेयर गन चलाकर बंदों को ढूंढने चला जाता है। मतलब देख रहे हो नंबर चार का IQ, चौड़े में फ्लेयर गन चला दी, बंदे आएंगे तो ओपन में से मारेंगे और हम सामने घरों पर चले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ये दो बग्गी वाले भी दिख जाते हैं। मैं जैसे ही लेटता हूँ और मेरे टीममेट को देखो भाई, मेरे मुंह के आगे आ गया। मतलब यार इतनी गाली देने का मन कर रहा था इसको हद से ज्यादा। वैसे भी वो नंबर चार सारी किल व्यारी करने लग रहा है और ये हमारा नंबर टू भी वैसे नूबड़ा है बिल्कुल ही, आज कुछ ज्यादा ही प्रो बनना है। और जहाँ पर हमने फ्लेयर गन चलाई थी वहां पर देखो इन नागों ने कब्जा कर लिया वहां पर। लेकिन कोई नहीं, मैंने इस नाग को घोड़ी बना दिया। अब बारी है इसकी दूसरे वाले बंदे की। पहले मैं इसको फिनिश तो कर लूं तब दूसरे वाले को लपेटेंगे। दूसरा वाला कहां पर है? हमारा फ्लेयर ड्रॉप भी आ गया लेकिन उन नागों के पास है वो। हमारा नंबर एक उन पे रश कर देता है बिना ब्रश किए और बिना बताए। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, सारे नाग मेरे स्प्रे में आ जाएंगे। लेकिन अरे स्विच हो जा भाई, 3x बन जा, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? चलो टैप टैप से काम चलाना पड़ेगा। उठ जा सब, चलो बेटे तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। तीसरा वाला कहां पर आ रहा है? स्मोक कर रहा है उस पे। दोनों को फिनिश कर दिया। नंबर एक तू यहीं पर रुकियो, हम तुझे कवर देंगे पूरा पूरा, तुझे कोई भी नाग तेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, टेंशन मत ले। अरे डाल तो दिया भाई, कितना स्मोक डालू? तू गाड़ी लेके जा, आराम से रिवाइव दे, मैं देखता हूँ किसी को जो आएगा उसकी मैं पेटी बनाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे बाइक का फुल कवर। लेकिन उससे पहले स्कोप एडजस्ट कर लू, पिछली बार स्कैम हो गया था। ओ गाड़ी, ओ मारो 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 भाई, गाड़ी आ गई पूरी यहाँ पर तो मार आ गया। दो घोड़ी बना दिए मैंने बंदे। अब दो बचे हुए नंबर चार ने उनको लपेट दिया भाई। नंबर चार बहुत किल चुराने लग रहा है भाई, इसको रिपोर्ट मारना पड़ेगा, मुझे बैन करवानी पड़ेगी इसकी आईडी। अरे नंबर चार को कोई मार रहा है? बढ़िया बढ़िया, पूरा फिनिश कर दे, पूरा फिनिश कर दे नंबर चार को। साला बहुत देर से किल चुराने लग रहा है आराम को हमारी। अरे ये किस नूबड़े ने नंबर चार को नॉक किया, साला फिनिश भी नहीं कर रहा है उसको, कर दे तो हमारा काम आसान हो जाए। साला किल चुराने लग रहा है नंबर चार हमारा, अबे फिनिश कर दे भाई। ये सांप साला फिनिश क्यों नहीं कर रहा है उसको, नंबर चार को? कहाँ पर है ये सांप साले? एक है, दो है, ये रहा एक नाग, ये रहा दूसरा वाला। कहाँ पर है? दूसरा नीचे है। मतलब यार इतनी देर में जाने कितने बंदों को ये फिनिश कर देता साले, सांप कहीं के, उसको बचा और लिया हमारे नंबर दो ने, हद होती है यार। खैर गाइस तुमने देख लिया, यहाँ पर ऑल डेड हो गई है और नंबर चार को बचा लिया गया है ये फालतू में मेरे टीममेट द्वारा। लेकिन कोई बात नहीं है, नंबर चार इस बार अच्छा प्लेयर आया है, लेकिन किल चोर है रामकोर एक नंबर का। लेकिन ये क्या, सामने नंबर चार के ऊपर कोई फायर कर रहा है, जाले को पूरा फिनिश कर दिया अब की बात तो नंबर चार को नॉक करने के बाद। कहाँ पर है? मुझे तो कोई कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे ये रहा, दिख गया। अरे भाई ये भी किल किया, नंबर चार ले जाएगा। लो नंबर चार यार, इसका डालना पड़ेगा अचार। तो देखो गाइस अभी हम यहाँ से लूट लाट के सामने चले जाते हैं नंबर चार के आसपास, और वहाँ से पीछे से कोई बंदा, मतलब यहाँ पर अभी हम खड़े हैं वहाँ पर कोई बंदा लेट के स्प्रे देता है हमारे ऊपर। मतलब क्या, कहाँ पर छपा हुआ बैठा था भाई? मतलब इतनी देर से हम उसके पास भरतनाट्यम करने लग रहे थे और देखो हम पास में आ गए, और तभी मैं इस पेटी को लूटता हूँ और किसी को देखो पीछे से। भाई सब क्या है यार, ये इतनी कैंपिंग क्यों करते हो भाई? तो दोबारा इस बार लेकिन हमारा नंबर एक उसको लपेट देता है, इस बार नंबर चार ने नहीं लपेटा। तो हम जोन में आ जाते हैं अब गाइस, तो हम इस वाली बिल्डिंग पर रुक जाते हैं, सोचते हैं यहाँ पर बंदे आएंगे। लेकिन भाई सब ये बिल्डिंग जोन से बाहर हो जाती है और मेरे पास था ये बोरा। ये बोरा तुमने यूज जरूर किया होगा, जिसे इंग्लिश में शायद इमरजेंसी पिकअप बोलते हैं। तो इस बोरे का यूज करके हम आसमान की ऊंचाइयों में जाते हैं और वहां पर पूरा ही कोहरा ही कोहरा होता है, कोहरा ही कोहरा होता है, कुछ दिखाई भी नहीं देता है। इस जोन में आ जाने के बाद मैं तो जंप कर देता हूँ और अपने बंदों से कहता हूँ यहाँ पर गाड़ी खड़ी है, यहाँ पर आ जाओ जल्दी। मैंने तो सिर्फ यहाँ पर अनुमान लगाया, अब तुम ये मत सोचना कि यहाँ मैं हैकर वगैरह हूँ, मैंने ESP वगैरह लगा रखी है। देखो यहाँ पर लेकिन हमें बंदे मिल जाते हैं और उनको हम कितना गंदा लपेटते हैं। पहला बंदा, इसको मैं घोड़ी बना देता हूँ। दूसरा वाला वहां पर पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है। तीसरा वाला हमारे नंबर एक को घोड़ी बना देता है, जिसको मैं भी घोड़ी बना देता हूँ। और बचा था वो चौथा वाला बंदा, लेकिन उसको लपेटने से पहले मैंने सोचा यार अपने बंदों को रिवाइव दे दूं। लेकिन उस चौथे के बंदे को हमारे नंबर चार ने मारा। तो गाइस अब वक्त आ चुका है नंबर चार ने हमारे कितने किल व्यारी कही है उस चीज को दिखाने का, मतलब नंबर चार ने कितना डैमेज दिया था बंदों को वो चीज देखने का और कितने फिनिश किए हैं। तो तुमको इस चीज से पता पड़ जाएगा कि नंबर चार कितना बड़ा किल चोर था। तो जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हो मेरे 12 फिनिश है और 1700 का डैमेज है। नंबर चार को देखो 17 फिनिश है और 1900 का डैमेज सिर्फ, और हमारे नंबर चार के साथ तो बहुत ही अत्याचार हुआ है, चार ही फिनिश है और 1000 का डैमेज है। मतलब क्या है यार ये? तो गाइज हमारे नंबर चार के ऊपर तुम्हारे क्या विचार है नीचे कमेंट में जरूर बताना। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो चेक करें उन्होंने बेल आइकन दबाया या नहीं। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Bye-bye.